फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इंडिया टीवी डिजिटल की स्पेशल प्रस्तुति कमल नंदलाल का भविष्यफल। इस भविष्यफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर करेगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 22 जून 2023, आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी पर चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 8, लकी कलर रहेगा ब्लैक, लकी डायरेक्शन रहेगी वेस्ट, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से शाम को 3 बजे तक भद्रा रहेगी। सुबह 5:24 से लेकर के शाम को 5:27 तक रवि योग रहेगा। शाम को 6:01 से लेकर अगले दिन सुबह 4:18 तक दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को 6:01 से लेकर रात को 8:22 तक विशेष क्या है, आषाढ़ नवरात्रि की चतुर्थी है, ऐसे में चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी की पूजा का विधान है और साथ साथ विनायक चतुर्थी भी है और जो हमारा विशेष उपाय है वो भी माता भुवनेश्वरी से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यफल की। पहली राशि मेष यानी एरिस के साथ में। मेष, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, प्रेम संबंध रसिक रहेंगे, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, उपाय ये करें कि धर्मस्थल में हल्दी चढ़ाएं। वृष, संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, छात्रों को खुशखबरी मिलेगी, उपाय ये करें कि कागज़ पर व्रम लिखकर पर्स में रखें। मिथुन, सामाजिक सम्मान मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, उच्च अधिकारी सहयोग करेंगे, गुस्से पर काबू रखें, उपाय ये करें कि तुलसी पर हल्दी चढ़ाएं। कर्क, रुके हुए काम पूरे होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, निजी संबंध मजबूत रहेंगे, उपाय ये करें कि धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें। सिंह, सेहत पर ध्यान दें, लोगों से सहयोग लेने पर सफलता मिलेगी, दाम्पत्य संबंध बेहतर होंगे, दोस्तों से मुलाकात होगी, उपाय ये करें कि पूजा घर में सिक्का चढ़ाकर पर्स में रखें। कन्या, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, थकान महसूस करेंगे, चिंता के कारण मानसिक तनाव रहेगा, उपाय ये करें कि घर के ईशान कोण में धार्मिक पुस्तकें रखें। तुला, धन हानि के योग हैं, पारिवारिक मतभेद के कारण चिंता रहेगी, यात्रा लाभदायक रहेगी, प्रेम जीवन सफल रहेगा, उपाय ये करें कि भिखारी को चना दान करें। वृश्चिक, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कारोबार में प्रगति होगी, संतान की सफलता से प्रसन्न रहेंगे, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर के निमित्त दीपक करें। धनु, आर्थिक क्षेत्र सुधरेगा, सरकारी महकमों से सहयोग मिलेगा, शुभ कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, उपाय ये करें कि घर के ईशान कोण में दीपक करें। मकर, सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार के साथ में समय बिताएंगे, परिजनों से खुशखबरी मिलेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि जेब में पीली सरसों के दाने रखें। कुंभ, उधार के लेन देन से बचें, रिश्तों में मजबूती आएगी, सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा, जीवन साथी सहयोग देगा, उपाय ये करें ओम श्री गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मीन, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कारोबारी सफलता मिलेगी, संतान से मदद मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, उपाय ये करें कि बेसन से बनी मिठाई खाएं। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। देखिए, खास दिन है, आषाढ़ नवरात्रि की चौथ है, चतुर्थी है और ऐसे में चौथी महाविद्या देवी भुवनेश्वरी के पूजन का विधान है। तो क्या करें, आप देवी भुवनेश्वरी का पूजन करें और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी भुवनेश्वरी पर चावल यानी कि साबुत चावल अक्षत चढ़ाकर अपने बेडरूम में कहीं छुपा करके रख दें और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम राज राजेश्वरी नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको मनोकामनाओं की निश्चित पूर्ति होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमस्ते, बाय।